आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और अभी जा रही हूँ बच्चों के स्कूल। कल से समर वेकेशन स्टार्ट हो रही है और आज एग्ज़ाम जो था उसका आज रिजल्ट मिलेगी। तो घर का काम करते करते थोड़ी लेट हो गई, तो फटाफट जा रही हूँ स्कूल। पता नहीं क्या होगा रिजल्ट, थोड़ी टेंशन भी लग रही है। सभी पेरेंट्स का तो हेडेक होता ही है, टेंशन होता है रिजल्ट को लेके, बच्चे का क्या फ्यूचर होगा। तो अभी फिलहाल फटाफट से स्कूल पहुंच जाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ स्कूल का रिजल्ट क्या होता है। मैं आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी, तो मिलती हूँ स्कूल में। स्कूल आके पहुंच गई हूँ और अभी आ गई हूँ क्लासरूम के अंदर और सभी पेरेंट्स आके इकट्ठा हो गई है। कोई कोई पेरेंट्स अभी तक आने वाले हैं, तो एक एक करके अभी आ रहे हैं और अभी सिस्टर आके बताने वाले हैं हर एक स्टूडेंट के बारे में, कौन कैसा क्या करती है और हम लोगों को अपने अपने बच्चों को क्या सुधार करनी चाहिए, वही बताने के लिए अभी सिस्टर आके बात करेगी। तो अब मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा शेयर करूँगी। मैम यहाँ पर जो एग्ज़ाम टेस्ट का कॉपी था वो दे रहे हैं और मासूम का मिल गया, तो अभी मुझे मुस्कान का भी मिली है। और जो मार्क्स लिखा हुआ होता है वो अभी तक नहीं मिली, अभी सिस्टर के पास जाके वो कॉपी लेनी होगी और फिर साइन करके जानी है, क्योंकि कल से समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है। तो जो स्कूल का रूल है तो साइन करके लेके फिर जा सकते हैं सभी पेरेंट्स अपने अपने घर। मार्कशीट मिल गई है और जो टेस्ट कॉपी था वो भी मिल गई है, लेकिन मैंने अभी तक टेस्ट कॉपी नहीं देखा हूँ, तो मैं फटाफट से देख लूँगी। और आज जो मैं बहुत टेंस में थी, और शायद जब हम लोग भी बचपन में एग्ज़ाम दिया करते थे तब हम लोगों की मम्मी पापा भी इसी तरीके से टेंशन में रहती थी, मुझे आज ये बात महसूस हुआ है। शायद सभी को एक दिन ये बात महसूस हो जाती है। क्लासरूम से बाहर आ गई हूँ और हम लोगों को पता ही है दोनों बिना झूले घर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बताया आज झूला मत झूलो, नानी के घर जाऊंगी बोल के, लेकिन नहीं मानी दोनों ने। और मासूम देखिए सबसे पहले दौड़ लगाई झूला झूलने के लिए।
दोनों अभी जा रहे हैं नाना नानी के घर, और मैंने बोला था दोनों को कपड़ा चेंज करके शाम के टाइम धीरे धीरे आ जाऊंगी बोल के, लेकिन दोनों ने नहीं माना, बोला अभी हम लोगों को मार्क्स दिखानी है। तो मैंने बोला ठीक है, इतना मन है तो दिखा लो नाना नानी को मार्क्स। तो अभी भागते हुए जा रही है नाना नानी के घर दोनों। तो अभी आके पहुंची हूँ घर, और स्कूल से सीधा मेरी मम्मी के घर गई ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क मिले हैं तो दिखाने के लिए गई थी। और वहाँ से नानी ने क्या क्या खरीद के दिया, अभी दोनों मज़े से खा रही है, और मैं अभी आप लोगों को दोनों का मार्क्स भी दिखा देती हूँ। आज किसको कितना मार्क्स मिला है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी ये है मुस्कान का, तो मुस्कान को यहाँ पे 25 में से सभी में 25 मार्क्स मिली है। फाइव सब्जेक्ट था, तो फाइव सब्जेक्ट में 25 मार्क्स का टेस्ट था, तो 25 भी मिला है सभी में। और अभी मैं दिखाती हूँ मासूम का मार्क्स, और मासूम का भी सेम है, तो फाइव सब्जेक्ट में 25 25 सभी में 25 मिला है। तो अभी दोनों खुश है, तो अभी दोनों बोल रही है, दोनों को हम लोगों ने बोला था अगर अच्छी मार्क मिलेगी तो प्ले हाउस चाहिए, क्या प्ले हाउस पता नहीं हम लोगों को ला के दूंगी बोला था। तो अभी दोनों यही बोल रहे हैं हम लोगों ने अच्छी मार्क लाई तो हम लोगों को गिफ्ट चाहिए। तो क्या गिफ्ट चाहिए तुम दोनों को? प्ले हाउस। हाँ हाँ, प्ले हाउस बार्बी डॉल। तो मुस्कान को चाहिए प्ले हाउस, लेकिन बहुत बड़ा। हाँ, बहुत बड़ा चाहिए। और मासूम को क्या चाहिए बोला था? मासूम को बार्बी डॉल चाहिए। तो अच्छे मार्क्स लाई है तो देना तो पड़ेगी। तो कल हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाऊंगे, अगर मिल जाते हैं दोनों को गिफ्ट दिला दूंगी, है ना? अगर मिल जाएगी दे दूंगी, ठीक है? मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखा रही हूँ दोनों का मार्क्स। ये है मुस्कान की मार्क्स और ये है मासूम का मार्क्स, और यहाँ पे दोनों का अभी एग्जाम अच्छी हुई है, अच्छी रिजल्ट आई है, तो दोनों अभी क्या कर रहे हो? पार्टी। तो अभी दोनों का कपड़ा चेंज कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। कल से समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, तो देखिए यहाँ पे दोनों कितने अच्छे से सो रहे हैं, क्योंकि कल से स्कूल नहीं जाना है। दोनों बस एक ही बात बोल रहे थे, कल से स्कूल बंद है क्या, बंद है क्या, कितना बार बोला हाँ हाँ बोल बोल कर। तो मैं थक गई हूँ, इतना खुश है दोनों कल से स्कूल बंद है बोल के। तो अभी दोनों सो रही है, मैं दोनों को उठाऊंगी नहीं, जल्दी स्कूल जाने की भी ज़रूरत भी नहीं है, और मैं भी कल से थोड़ा लेट ही उठूंगी, क्योंकि जब स्कूल खुला रहती है तो मुझे भी बहुत जल्दी उठना पड़ता है, सुबह के टाइम 4 बजे उठने पड़ते हैं। तो अभी कुछ दिन तो मैं थोड़ा लेट से ही उठूँगी मॉर्निंग के टाइम पर। तो फिलहाल दोनों अभी अपने नींद पूरी कर ले, मैं दोनों को नहीं उठाऊँगी। जब नींद पूरी हो जाती है दोनों अपने आप उठ जाती है, और दोनों के उठने से पहले ही दोनों के लिए मैं दूध उबाल लूँगी। आज दोनों को शाम के टाइम मैं दूध ही दूँगी। वैसे तो मैं इस टाइम पे दोनों को उठा देती थी, उठा के दूध पिला के फिर पढ़ाई करने देती थी, लेकिन कल से समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है तो इतना पढ़ाई की झंझट नहीं है। आज के लिए दोनों को रेस्ट दे दिया मैंने, और कितना पढ़ाई करेगी, बच्चे हैं तो दोनों थक भी जाती है, तो एक दो दिन बीच में रेस्ट लेना ज़रूरी है दोनों के लिए। और मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करने की बहुत इच्छुक थी, लेकिन मैं बता नहीं पा रही थी क्योंकि टिकट कंफर्म नहीं हुआ था। तो अभी हम लोगों का टिकट कंफर्म हो गया है, हम लोग समर वेकेशन में राजस्थान और दिल्ली घूमने जाने वाली हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे जो भी अच्छी चीज़ लगती है मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। और मुझे इतना खुशी लग रही है ना, मैं जहाँ भी जाऊँगी आप लोगों से भी मैं शेयर करूँगी मैं कहाँ गई, मैं क्या देखा, और आप लोग भी देख पाओ। इतना खुशी मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ जो आज मुझे महसूस हो रही है। तो आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो आप लोग देख पाओ, और मैं भी कहाँ कहाँ जाती हूँ दिखाने के लिए। मैं बहुत बेटा हो रही हूँ, कब जाऊँगी इस तरीके से लग रही है। तो जब भी जाऊंगी आप लोगों से मैं शेयर करूंगी हर एक मोमेंट। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिलहाल दोनों उठ जाएगी, तो मैं दोनों के लिए फिलहाल अभी दूध उबाल लेती हूँ, और दोनों अभी देखिए मासूम उठ के अभी
मुस्कान की पीठ में ही चढ़ जाएगी धीरे धीरे करके, और मैं भी रोने वाली थी। और कमरे का हालत देखिए, आज एग्जाम खत्म हो गई बोल के मैं भी इतना खुश हूँ ना, मुझे तो क्या बताऊँ। मेरा तो आज ऐसा लग रहा है मेरा सर बिल्कुल हल्का हो गई है, नहीं तो मुझे मॉर्निंग के टाइम इतना जल्दी उठना पड़ती थी ना, मैं कुछ भी काम कर रही हूँ तो मेरे आग इस तरीके से आने लगती थी। लेकिन मैंने भी आज पूरी अच्छे से नींद पूरी कर लिया, और बच्चे भी शायद आज अच्छे से नींद पूरी कर लेगी और ज़्यादा परेशान भी नहीं करेगी। नहीं तो ज़्यादा नींद अच्छे से पूरी नहीं होने से बच्चे सिरसिरापन हो जाती है, तो कुछ भी बोलते होते हैं कहना शुरू कर देते हैं। तो आज से शायद थोड़ा कम करेगी क्योंकि हेडेक कम है आज से। तो फिलहाल मैं अभी दूध उबाल लेती हूँ। हेलो, यहाँ पे मासूम अभी फिलहाल दूध पी रही है और मुस्कान देखिए दूध उधर साइड में रख दिया और सो रही है। नींद पूरी नहीं हुआ क्या अभी तक? नहीं हुआ। पढ़ाई करनी तो उसके सो रही होगा, आज पढ़ाई नहीं करनी है, आज बिल्कुल छुट्टी है, फिर भी नहीं उठोगे। तो मुस्कान अभी फिर भी नहीं उठेगी और मासूम का दूध अभी यहाँ पे फिनिश हो ही रही है ना, जल्दी से मेरी मासूम अभी दूध फिनिश कर देगी। तो क्योंकि आज दोनों का छुट्टी है तो मैं भी आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। तो फिर मिलूंगी और एक नए ब्लॉग के साथ। आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। व्हाट्सअप लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।